अपनी मुतनाज़ हरकत और बयानात की वजह से हमेशा खबरों में रहने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकलीद में 3 शादियां करने का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि जैसा मुल्क का कप्तान होगा उसके खिलाड़ियों को भी वैसा ही होना चाहिए, लिहाजा मैं अपने कप्तान की तकलीद में 3 शादियां करके छोड़ूंगा। एक टीवी प्रोग्राम में आमिर लियाकत ने कहा कि मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से कुर्बतें बढ़ चुकी हैं। पार्टी से इस्तीफे की वजह ये थी कि मुझे मौका नहीं दिया जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि फिर मेरा पार्टी में रहने का क्या फ़ायदा, लिहाजा मैं मुस्ताफी हो गया। ताहम उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट के हालिया इजलास में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके मामलात खासे बेहतर हो चुके हैं और वो इनसे मुसलसल राबते में हैं। जब आमिर लियाकत से पूछा गया कि क्या इनका तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का फैसला दुरुस्त था तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ रहूँगा और तहरीक इंसाफ ही मेरी आखिरी जमात होगी। आमिर लियाकत ने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता है और आइंदा हुकूमत भी हम ही बनाएंगे, क्योंकि अपोजिशन बिखरी हुई, टूटी हुई, लूली लंगड़ी और अजीब सी है और इसमें इतना दम नहीं कि अगले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे पाए। डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के काना राजा हैं और इसके बाकी तमाम लीडर्स अंधे हैं। आमिर लियाकत ने कहा कि उन्हें ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो लेकिन वह उम्मीद के साथ जुड़े रहते हैं। उनका कहना था कि मुझे इमरान खान में भी एक उम्मीद की किरण नज़र आती है और मुझे यकीन है कि वह जल्द या बदेर इस मुल्क के लिए ज़रूर कोई बड़ा काम करेंगे। अपनी शादी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में आमिर लियाकत का कहना था कि मैं शादी के लिए जब लड़की का इंतखाब करता हूं तो सबसे पहले उसकी उम्र देखता हूं। मेरी मौजूदा अहलिया तूबा महज 24 बरस की हैं, लेकिन जब मैं तीसरी बीवी लाऊंगा तो वो कम से कम 20 या 21 साल की होगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने कप्तान इमरान खान का फॉलोअर हूँ और उनकी तकलीद करते हुए 3 शादियाँ करके रहूँगा। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।